क्या आप में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में इस तरह की उम्मीद कर सकता है कि छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया हो और चंद घंटे के बाद जांच कमेटी बनाई गई है, जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। पटना लाठी चार्ज मामले में कार्रवाई शुरू हो गई। दरअसल लाठी चार्ज करने वाले एडीएम के खिलाफ जांच कमेटी बना दी गई। इसी पटना में न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार थी पहले की, कितनी बार छात्रों पर लाठी चार्ज हुई, कितनी बार पुलिस की ज्यादती नजर आई। स्वागत है आपका भारत वॉइस में। बिहार में जब से नीतीश सरकार आई है उसके बाद से ऐसा लगता है कि काम करने के तौर तरीके बेहद बदल गए हैं। सरकार के अंदर एक अलग तरह का जोश देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव भी अपने आक्रामक तेवरों के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी सरकार में, बिहार में जो इस वक्त मौजूदा सरकार का गठन हुआ है उसके मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्री तक में एक नया जोश उभरता हुआ सामने आ रहा है। पटना में एक बड़ी खबर आई कि छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया और एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई। तो पटना में हुए इस लाठी चार्ज को लेकर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर भी बहुत सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि ये अच्छा नहीं हुआ और इस तरीके से एक युवा को, एक छात्र को डंडों से पिटाई करने की ज़रूरत नहीं थी और ऐसे पुलिस वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई की मांग लोग कर रहे थे। जाहिर सी बात है, अगर छात्र अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो इस तरह से पिटाई करना कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता और इसीलिए इस बात को लेकर सरकार की तरफ से दुटोक फैसला लिया गया है कि इस मामले में जांच कमेटी का गठन कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई उस रिपोर्ट के आने के बाद होगी। जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग चिंतित नहीं होते तो शायद हम फोन भी नहीं करते जिलाधिकारी को। तो ये भाजपा के लोग, हम लोग तो है नहीं कि खाली जुमलेबाजी कर। क्या आप में से कोई भी भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में इस तरह की उम्मीद कर सकता है कि छात्रों पर लाठी चार्ज किया गया हो और चंद घंटे के बाद, अगर वो गलत लगता है, गलत है या सही है, इन तमाम मामलों की निष्पक्ष तरीके से जांच तो होना ज़रूरी ही है, वो अगर आम जनता को लगता है कि वो उस छात्र पर ज्यादती हुई है और पुलिस ने जो डंडे बरसाए हैं वो गलत तरीके से बरसाए हैं। इसी पटना में न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार थी पहले की, कितनी बार छात्रों पर लाठी चार्ज हुई, कितनी बार पुलिस की ज्यादती नजर आई, लेकिन उस पर किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस वक्त इस तरह की कार्रवाई की कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। लेकिन इस वक्त जब इस तरह के हालात सामने आए हैं तो सरकार भी एक्टिव हुई है और उसके बाद इस पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त ये सरकार बिल्कुल बदली हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि बिहार की विपक्षी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हर दिन, हर घंटे और मिनट नजर रखे हुई है और सरकार के बारे में जो भी गलत चीजें उसको समझ में आती है उसकी आलोचना कर रही है और मीडिया के भी आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं। मीडिया अपने उसी असल रूप में है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि मीडिया का जो अपना दायित्व है उसे निभाना चाहिए, लेकिन बिहार में यह बखूबी इस वक्त तक नजर आ रहा है क्योंकि वो मीडिया जो दूसरे राज्य की सरकारों में यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में सवाल करने से डरती है, अपने दायित्व को निभाने से डरती है, वही मीडिया बिहार में अलग अंदाज में नजर आ रही है और सत्ता पक्ष से खुलकर सवाल कर रही है। मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। खुद उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और विस्तार से इस पूरी बात को रखा। हमने न्यूज द्वारा तस्वीरें भी देखी हैं और हमारी जिलाधिकारी से बात हुई तो वहां एक दृश्य बताया जा रहा है जहां एडीएम जो है वो लाठी चार्ज कर रहे हैं। तो हमने मामला जो है उनसे समझा और हमने पूछा कि भाई क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाने पे उनको सजा मिलेगी। कि वो जो दृश्य जो भी हम लोगों ने देखा वो तो ठीक नहीं था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। तिरंगे का अपमान बोली थी हम, नहीं होना था ऐसा। ठीक है, तो अब तो जांच कमेटी बनी ना गई है, जांच कमेटी बन गई है, कितना शीघ्र कार्रवाई। पत्रकारों के साथ उन्होंने मारपीट किया भाई, सारी 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 चीजें
अब हम तो सब कुछ देखे हैं, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। जांच कमेटी बनी तो कार्रवाई ना है, विधायकों की उसमें जांच होगी। विधानसभा में जो विधायकों की पिटाई हुई थी उसमें भी अधिकारी शामिल थे, पहले भी ऐसे काम कर रहे थे, तब आप कर रहे थे, आप सरकार में है, क्या कार्रवाई होगी? आप जांच कमेटी बनाई गई है, जांच में जैसा भी आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर हम लोग चिंतित नहीं होते तो शायद हम फोन भी नहीं करते जिलाधिकारी को। तो ये भाजपा के लोग, हम लोग तो है नहीं कि खाली जुमलेबाजी कर, जो बात है, जो सच्चाई है, उसको हमने सामने रखा। और सभी सभी लोगों को, सारे अभ्यर्थी से तो आप लोग जान ही रहे, मुलाकात कर ही रहे। तो इस तरीके से बिहार की सरकार पर अगर विपक्ष की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी भी नज़र रखती है और मीडिया भी नज़र रखती है तो ये बहुत अच्छी बात है, और आने वाले दिनों में इसी से हो सकता है बिहार की तस्वीर बदल जाए। वैसे भी सरकार की तरफ से जो बार बार ये कहा जा रहा है कि रोज़गार की बात, जो देश के पूरे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इसको लेकर सरकार बार बार ये दोहरा रही है कि बेरोजगारी की समस्या को निपटाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और पूरी तरीके से काम करने की कोशिश करेगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी तेजस्वी यादव की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार ने इस बात पर मुहर लगाते हुए बात आगे बढ़ाई कि 20 लाख रोजगार मुहैया कराने का काम इस सरकार में किया जाएगा। तो इस तरह से युवाओं के अंदर भी एक नई उम्मीद जगी है और सरकार के काम करने के तरीकों में भी पारदर्शिता आई है और सरकार से लोगों का भरोसा भी बनता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है, अगर विपक्ष मजबूती से सरकार पर सवाल उठाएगा और मीडिया उस तंत्र पर यानी सरकारी तंत्र पर पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ नजर रखेगी तो कुछ बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। वैसे भी इस देश में मीडिया की जो हालत है उसको लेकर किसी तरह का सवाल अब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर, चाहे बहुत सारे अखबार हों, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसा लगता है के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एंकर्स को तो लोगों ने देखना भी बंद कर दिया है, कई न्यूज चैनल्स को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। हालत यह है कि देश में एक अविश्वास की स्थिति पैदा हो गई है और लोग कह रहे हैं कि मीडिया से उनका भरोसा उठ गया है। अगर आपको भी लगता है कि इस सरकार ने काम करने के तरीकों को बदला है और सरकार थोड़ी एक्टिव नजर आ रही है तो अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा, और इस लाठीचार्ज करने के बारे में अगर आपकी कोई सोच हो तो उसे भी ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।